ये देखिए बाबा लोग को ट्रिपल लोड में बाबा पहन रहे हैं एकदम। Hey guys, welcome back to the channel. और एक बार फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ और यहाँ पे रोड पे मतलब कि पटना की सड़कों पे एक बार फिर से आ चुका है आपका भाई अतुल। तो आज का अपडेट वैसे कुछ खास नहीं है, फिलहाल अभी जा रहे एक हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कॉलेज फ्रेंड हैं। आपको पता होगा अगर आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए तो कि मेरा फेयरवेल हो गया, मतलब मेरा कॉलेज का सफ़र जो है वो TMC डिपार्टमेंट का, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अभी जा रहे हैं उनसे मिलने, तो सोचे रास्ता में कुछ होगा तो आपको अपडेट दे देंगे। तो चलिए अपडेट दे देते हैं इसी बात पे, ये वाले फ्लाईओवर का अपडेट दे देते हैं। ये फ्लाईओवर का शुरुआत होता है पटना के निफ्ट कॉलेज के पास से, यहीं से इसका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा इस पे, क्योंकि काम है इसका जो बंद है। और बंद होने का कारण भाई साहब, बंद होने का कारण ये है कि जो करबीगहिया के साइड जो है बहुत सारा घर को भी जो है वो तोड़ना बाकी है, और वहाँ के जो लोग हैं वो लोग अड़चन लगा दिए हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, केस कर दिए हैं कि अभी जो है इसको मत तोड़िए। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि और क्या कुछ जो है वो काम चल रहा है। फिलहाल रश है क्योंकि अभी ऑफिस टाइम है, अभी सुबह के 10 बजे है, इस कारण जो सड़कों पे जो रश है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को जो है वो मिल रहा होगा। और इधर देखिए, इधर सारा पिलर का काम हो चुका है, A to Z पिलर का काम जो है वो इस वाले रोड में, इस वाले फ्लाईओवर में जो है वो डन है, टोटल पिलर का काम डन है। और पिलर के एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में स्लैब जो रखा जाता है, उस स्लैब के बीच में जो गैप रहता है वो गैप भी भर दिया गया है, मतलब कि निफ्ट कॉलेज से लेके और करबीगहिया मोड़ तक का काम जो है वो टोटल कंप्लीट है भाई साहब, टोटल कंप्लीट। देखिए सारा गैप का जो फीलिंग है वो सारा फीलिंग भी हो चुका है। ये देखिए ये गैप हर एक गैप का फीलिंग जो है वो कंप्लीटेड है। देखिए ये गैप भी फील हो चुका है, वो गैप भी फील हो चुका है, ये वाला गैप भी फील है, सारा गैप फील है। बस काम बचा हुआ है तो करबीगहिया से आगे का, करबीगहिया पे जाके इसका काम जो है वो रुक गया है। और रुकने का कारण ये है कि वहाँ के लोगों ने दोबारा से केस कर दिया गया है कि हमें मुआवजा नहीं मिला है, और या फिर कुछ और ही बात होगा। तो लोगों ने ही अड़चन लगाया है कि इसके आगे रोड जो है वो नहीं बनने देंगे जब तक हमें मुआवजा वगैरह जो है वो नहीं मिल जाता है। मॉर्निंग का टाइम, इसलिए स्कूल में प्रार्थना हो रहा है। और ये देखिए अभी पटना नगर निगम का चुनाव आने वाला है, तो ये सब जो चुनाव वाली जो बातें हैं वो भी पटना की सड़कों पे आपको लगातार देखने को मिल रही होगी। जो प्रचार और प्रसार होता है वो वाली चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिल रही होगी। फिलहाल आ गए हैं करबीगहिया के पास, और इधर देखिए कि यहाँ तक जो फ्लाईओवर बन के रुक गया है और ये सब सारा एंगल्स लगाया हुआ है, बट कोई काम जो इधर हो नहीं रहा है। यहाँ पे फ्लाईओवर का सारा काम आके जो है वो रुक गया है और कुछ काम जो है वो नहीं हो रहा है। अभी सारे लोग देख रहे हैं भाई, जब हेलमेट में कैमरा लगा रहता है ना तो बहुत सारे लोग जो है वो देखते हैं जाके क्या लगा हुआ है। अरे भाई कैमरा लगा हुआ है, ब्लॉगिंग करते हैं। रोड काफ़ी ख़राब है। इधर देखिए, इधर सारा पिलर्स रेडी है, ये देखिए बड़ा बड़ा पिलर जो है वो भी बन के रेडी है। सुबह का टाइम है, नाश्ता वास्ता भी पूरा जोर तरीके से चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये वाला सेक्शन का मैं बात कर रहा था, ये सेक्शन पे आके जो काम जो है वो रुका हुआ है। यहाँ पर देखिए ये फ्लाईओवर और यहाँ पर एक पिलर, यहाँ पर एक्चुअली एक गोलंबर बनाया जाएगा, ROB बनाया जाएगा, जैसे GPO पे है और ROB पे आर ब्लॉक पे है। तो यहाँ पर आके जो काम जो है वो रुक गया है। और यहाँ पे तो भाई ज़बरदस्त चेकिंग रहती है, तो सावधान रहेगा, करबीगहिया मोड़ पे ज़बरदस्त वाला जो है वो चेकिंग रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी ये वाला पिलर जो है वो आपको दिख रहा होगा बना हुआ घर टूटने के बाद। ये देखिए घर टूटा हुआ आपको दिख रहा होगा, पिंक कलर वाला, और एक पिलर बना हुआ है। यहाँ पे भी पिलर, वहाँ पे भी पिलर,
वहाँ पे भी पिलर यूज, यहाँ पे एक चक्र बनेगा, गोलंबर बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक चक्र बनेगा, गोलंबर बनेगा। और काम इसलिए रुका हुआ है क्योंकि आगे जो है मतलब कि उधर पटना स्टेशन की तरफ रोड मतलब कि घर तोड़ना जो है वो बाकी है, इस कारण जो है काम को यहीं पे स्थगित कर दिया गया। यहाँ से आगे काम अप्रॉक्स 3 महीना से नहीं बढ़ा है 3 महीना से काम जो है वो रुका हुआ है इस करबीगहिया वाले मिठापुर बस स्टैंड करबीगहिया फ्लाई ओवर का। 3 महीना से कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी लेबर्स वगैरह नहीं आए, बाकी फ्लाई ओवर का काम कंप्लीट है। आप सीधा वीडियो में देखिए कि सारा गैप का फिलिंग वगैरह हर चीज़ हो गया है, टोटल चीज़। लेकिन जो घर वाले हैं उन लोगों ने अड़चने लगा दी हैं, उन लोगों ने केस कर दिया है कि मुआवजा वगैरह नहीं मिला है या फिर कुछ और ही बात हो, इस कारण जो रोड को आगे बनाया नहीं जा रहा है, करबीगहिया वाले मोड़ पे जाके स्टॉप कर दिया गया है। हालांकि एक पेपर का कटिंग है मेरे पास, उस पर कुछ दिया गया है कि आखिर क्यों रोड नहीं बन रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि आखिर क्या वजह है जो काम जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, करबीगहिया मोड़ पर जाके काम जो है वो रुक गया है, उसका कारण क्या है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और बाकी बात करें फ्लाई ओवर वगैरह की, पिलर्स वगैरह की और दोनों स्लैब के बीच में गैप वगैरह की, तो गैप देखिए यार, गैप पूरा पूरा भरा हुआ है, पूरा गैप फिलिंग कर दिया गया है, पूरा पिलर्स बन गया है, पूरा फ्लाई ओवर्स बन गया, स्लैब रखा गया है, स्लैब के साइड में जो बाउंड्री वॉल होता है साइड में, दोनों साइड में इस तरीके से रेलिंग जिसको आप कह सकते हैं, उस रेलिंग का भी काम जो है वो कंप्लीटेड हो गया है इस वाले फ्लाई ओवर में, करबीगहिया से मिठापुर बस स्टैंड वाला फ्लाई ओवर में। तो हर एक काम कंप्लीट है, लिफ्ट कॉलेज के पास से आप इस पर फ्लाई कीजिएगा, फ्लाई टेक ऑफ कीजिएगा और उसके बाद जाके करबीगहिया के पास इसका काम बंद हो गया है। हालांकि करबीगहिया पे एक रोटरी बनेगा, एक गोलंबर बनेगा, जिस तरह का आपको आर ब्लॉक और जीपीओ पे देखने को मिलता है, उस तरीके से एक रास्ता आपका मीठापुर बस स्टैंड आएगा, एक रास्ता आपका मीठापुर गुमटी जाएगा बुधमार की तरफ, अशोक सिनेमा की तरफ, और एक रास्ता आपका चिड़ैयाटार की तरफ जाके जो है वो मिला हुआ रहेगा। हालांकि चिड़ैयाटार की तरफ अभी बाकी बहुत सारे घर को तोड़ना बाकी है, इस कारण काम रुका हुआ है। मॉर्निंग का टाइम इस कारण काफ़ी ज़्यादा रश है, सब्जी वाले और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं, जो ट्रेन से आते हैं फिर फ्लाई ओवर पर पकड़ के मतलब चढ़ के और ऑटो वगैरह लेते हैं, तो इस कारण जो है मॉर्निंग टाइम में अभी 10 बजे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इट्स मॉर्निंग टाइम एंड द ऑफिस टाइम ऑल्सो, सो दैट्स वाई द रश इज टू मच ऑन द रोड। ये कह सकते हैं कि ऑफिस टाइम है, इस कारण जो है वो रश बहुत ज़्यादा रोड पे। फिलहाल हमारा एक फ्रेंड मतलब कि मेरा एक फ्रेंड जो है वो वेट कर रहा है, तो अभी उसके पास ही चलते हैं। और आज शायद किसी चीज़ का एग्जाम भी है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे दिखे हैं अभी एडमिट कार्ड लिए हुए जाते हुए, तो फिलहाल चलते हैं हड़ताली मोड़ के पास और मेरा फ्रेंड जो वेट कर रहा है गौरांग पाठक, उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं। यार देखिए बाबा लोग को ट्रिपल लोड बाबा पहन रहे हैं, एकदम देख रहे हैं तीनों बाबा हैं, तीनों नाम पहन ले हैं, यह भाग गए जी। फिलहाल आगे पटना का सबसे शानदार रोड अटल पथ रोड, यह है पटना का अटल पथ जो कि पटना का सबसे शानदार रोड है, सबसे शानदार रोड। एक्चुअली ये सामान देना है गौरांग को, वो एक्चुअली मांगा था मुझसे एक, मैंने बोला कि मेरे पास एक ही है, बट मैंने खोजने पे मुझे दो मिल गया तो पहले उसको एक देंगे, फिर उसके बाद कुछ देर बाद दोनों देंगे और रिएक्शन चेक करेंगे कि गौरांग का रिएक्शन जो है वो क्या है। एक्चुअली वो आज अपने घर जा रहा है तो उसको ब्लॉगिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ये मेरे से स्क्रू मांगा है, मेरे पास पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो मैं उसको देने वाला हूँ। शुरू में एक दूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा देर बाद मैं दोनों दूंगा, तो देखते हैं उसका रिएक्शन जो है वो क्या होता है। हम वहीं पे देखे थे यार,
ओजे घुसते देख लिए तुमको, वेरी हैंडसम बॉय है भाई, ब्लॉग बनाते हुए चलते हैं। ब्लॉग भाई मेरा बहुत दोस्त है भाई, गौरंग पाठक ऑन है भाई, ऑन है भाई, कहानी ब्लिंक कर रहा है, हम ऑफ कर दिए भाई। ओके भाई, तो ये है भाई हमारे मित्र गौरांग, कहाँ जा रहा है भाई? भाई वेरी हैंडसम बॉय से मिलके घर की तरफ जा रहे हैं, बक्सर परमानेंट बे भाई, पटना छोड़ दिया भाई, पटना छोड़ दिया, बक्सर आना पड़ेगा मिले। यस ब्रो, बक्सर कब आ रहे हो ये बता? गला मिलो भाई, हेलमेट से हेलमेट मिलाओ, बक्सर कब आ रहे हो भाई? बक्सर आएंगे भाई बहुत जल्द, कहिया बहुत जल्द, बहुत जल्द। ये देखिए भाई मेरे जैसा कैमरा, ओस्मो एक्शन सेम टू सेम भाई 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 गौरांग को एक चीज देने आए थे भाई, क्या वही चीज भाई जो मंगाया भाई हमको लगा कुछ और भी दे रहे स्पेशल चीज ना भाई, वेरी हैंडसम बॉय, मजा आएगा इसको धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप कष्ट लेके कुमरार से आ रहे हैं आप? नहीं, रामकृष्णा नगर, बाप रे बाप, कौन एरिया में पड़ता है भाई? कंकड़ बाग, इतना दूर से आ गया ना भाई, क्या दिक्कत है भाई के लिए कुछ भी आइए था ना, हाँ भाई हो गया काम अब यार निकलते हैं अभी, एंड मतलब रस्ते में आपसे थ्रू आउट कनेक्टेड रहूंगा, सेफ राइड भाई, थैंक यू ब्रो। ये भाई अपना गौरांग भाई जो भी अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, भैया देखिए भाई क्या भाई, ठीक है भाई, बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मिलते हैं ऐसे वीडियो में, और कमेंट कीजिए आपको कहाँ का अपडेट चाहिए, जहाँ का अपडेट मांगेगा वहाँ का अपडेट आपको मिलेगा, पटना में किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का अपडेट मांगिए आपका भाई अतुल आपको वहाँ का अपडेट जरूर देगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अच्छा सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय।